सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो अपनी कॉपी यानी कि अपने हथियार लेकर तैयार हो जाइए, अपनी कॉपी और पेन, जो जो लिखवाऊंगा आपको बहुत अच्छे से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9th में भी आपको यही चैप्टर देखने को मिलेगा, सो तैयार रहिए क्योंकि अब आप बोर्ड के स्टूडेंट बनेंगे तो भी यही काम आएगा। देखिए बात करते हैं सेल के बारे में, पहले मैं सेल बता देता हूँ। सेल जो होती है ये हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। तो पहले तो आप अपनी कॉपी में यही लिख लीजिए कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर आप लोग इसे हिंदी में लिख लीजिए कि सेल जो होती है वो क्या होती है, सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारे लाइफ की। मान लीजिए कोई छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, बाबू है, तो इसकी जो सबसे फंडामेंटल यूनिट होगी वो क्या होगी, वो होगी एक सेल। इसी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो 1665 में, डेट अभी आप लोग याद रखे तो भी कोई बात नहीं, नहीं याद रखे तो भी कोई बात नहीं, 9th में जाते जाते आपको ये अपने आप याद हो जाएगी। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक बायोलॉजिस्ट ने इसे क्या किया था, खोजा था। क्या नाम था उनका, रॉबर्ट हुक। तो जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने खोजा था किसे, सेल को। और इन्होंने जो सेल को खोजा था, लिख लीजिए, ये डेड सेल थी। सेल भी दो टाइप की होती है, लिविंग और डेड, जिसे आप लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक। तो लिविंग और डेड सेल दो टाइप पता चला, हाँ तो उसे लिख लीजिए, खैर आप लोग इसे बाद में पढ़ेंगे, लिखना जरूरी नहीं है। सेल दो टाइप की होती है, तो रॉबर्ट हुक ने जिसे सर्च किया था वो क्या थी, वो थी डेड सेल। लिविंग सेल सर्च किया था लेवन हॉक ने 1674 में, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, यहाँ पे इन्होंने देखा कि ओनियन का जो पील है, जो छिलका है, उसमें कुछ ऐसे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो उन्होंने इनका नाम दे दिया सेल। तो इस तरह से सेल की डिस्कवरी हो गई। अब सेल क्या होती है, ये होती है बेसिक फंडामेंटल या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सेल का कंपोजिशन क्या होता है, मतलब सेल कैसा दिखने में लगता है, उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो फटाफट से कर दीजिए। देखिए अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, साइज ऑफ सेल के बारे में। देखिए क्या आप लोगों ने कभी सोचा है साइज ऑफ सेल क्या होगा, साइज ऑफ सेल बहुत छोटा होता है, वो नैनोमीटर में नापा जाता है। किसमें, नैनोमीटर में। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर जो होता है वो इक्वल टू होता है 10^-9 मीटर, यानी कि एक नैनोमीटर में इतना मीटर होता है, यानी कि 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इतना छोटा होता है हमारा एक सेल, मतलब बहुत छोटा होता है, आप लोग ये सोच लीजिए। यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो लार्जेस्ट सबसे सेल होती है वो है 170 × 130 मिलीमीटर। तो आप लोग सोच सकते हैं जब सबसे बड़ी वाली सेल इतनी छोटी है, तो सबसे छोटी वाली तो समझ ही सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल के पास कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए पहले तो हम लोग बात करते थे सेल का शेप कैसा होता है। सेल का शेप ओवल हो सकता है, सेल का शेप रेक्टेंगुलर हो सकता है, सेल का शेप स्क्वायर हो सकता है, सेल का शेप रॉड लाइक हो सकता है, सेल का शेप स्पिंडल हो सकता है। तो सेल का जो शेप होता है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम कर रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो ईंट का शेप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कि उसे कितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, इसलिए उसका शेप ऐसा है। अब जो आपका बॉल का शेप है वो कैसा है, ऐसा है, क्यों, क्योंकि उसे उछलना है, उसे दूर जाना है। बैट का शेप कैसे, ऐसा है, क्यों, क्योंकि ये लोग अलग अलग काम कर रहे हैं इसलिए इनका अलग अलग शेप है। उसी वजह से, उसी तरह से सेल भी अलग अलग काम करती है, इनका अलग अलग शेप होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इनके अंदर क्या, देखिए जब ढेर सारी सेल्स क्या होती हैं, कंबाइन करती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं टीशू। तो जब ढेर सारी सेल कंबाइन करती हैं तो इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, टीशू कहते हैं। लिख लीजिए, 9th में पूरा चैप्टर है टीशू पे, ठीक, सेल पे भी है, टीशू पे भी है। अब बात करेंगे पार्ट ऑफ सेल के बारे में, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ सेल के बारे में। पहला पार्ट आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले कॉपी और पेन फटाफट से लेकर तैयार हो जाइए, जो जो लिखाऊंगा वो लिखते चलिएगा। देखिए, ये मान लीजिए मेरी है कोई प्यारी सी छोटी सी सेल। सेल कितनी छोटी होती है? बहुत छोटी होती है, ठीक। अब ये मेरी एक छोटी सी सबसे सेल है। अब इसके बीच में एक होता है न्यूक्लियस, ध्यान से देखिएगा। और इसके जो मैं पार्ट ऑफ कलर करने जा रहा हूँ, हाँ, इससे कलर कर रहा हूँ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? साइटोप्लाज्म कहते हैं इसी। प्यारे बच्चों, हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ब्लैक वाले क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? हरे वाले को, ग्रीन वाले को, इसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब मैं एक और चीज़ बनाने जा रहा हूँ। ये जो मैं बना रहा हूँ रेड कलर से, ये थोड़ा देखिए टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, पर कोई बात नहीं। इसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। ये मैं थोड़ा दूर इसलिए बनाया ताकि आप लोग थोड़ा अंतर दिख सके। वैसे ये बहुत पास पास होते हैं, ग्रीन वाला और रेड वाला बहुत पास पास होता है, बस मैं दूर इसलिए बनाया हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके। अब हम लोग बात करते हैं डीप स्ट्रक्चर। रेड आए, ये जो ब्लैक वाला, इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? न्यूक्लियस। ओहो, इसे मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, एक मिनट। इसे हम लोग ले लेते हैं ब्लैक कलर से। तो जो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ब्लैक कलर वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, लिख लीजिए न्यूक्लियस। अब उसके बाद जो हमारा जाता है ग्रीन कलर वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अब उसके बाद जो हमारा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक, साइटोप्लाज्म। अब उसके बाद हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर आ जाता है रेड वाला, इसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। ये बहुत ही खास होता है, ये खाली प्लांट सेल में पाया जाता है, नाम है सेल वॉल। लिखते चलिए। अब हम लोग बात करते हैं सबके बारे में। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल की आउटर कवरिंग होती है, ठीक। ये क्या करती है? ये हमारी सेल में एंट्री और एग्जिट को देखती है, मतलब कि किसे अंदर आना है किसे बाहर जाना है उसे देखती है। अरे भाई, एक महल है, द्वारपाल महल पे क्या करते हैं? देखते हैं कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है। उसी प्रकार से सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो देखती है कि सेल के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस होता है वो हमेशा सेल के सेंटर में लोकेट होता है और ये सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है? जितनी भी एक्टिविटीज़ एक सेल के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसे कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। लिखते चलिए वरना कुछ आएगा नहीं, पहले बता दे रहा हूँ। देखिए, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है? जितनी भी एक्टिविटीज सेल परफॉर्म करती है, खाना हो पीना हो, फूड को, मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना हो, तो ये सभी काम कौन करता है? सेल करती है। तो इन सब कामों को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। अब हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। ये क्या करता है? ये बेसिकली करता कुछ नहीं है, बस खाली बीच में रह करके एक तरह से फ्लूइड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है और इसी के अंदर वो सभी चीज़ें क्या होती हैं? मौजूद होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये सब आप लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और अच्छे से। अब बात करते हैं सेल वॉल। ये खाली प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, ठीक। सब स्ट्रक्चर समझ में आया? अब बारी आती है, बात करते हैं, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। तो मुझे उम्मीद है तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो फटाफट से कर लीजिए प्यारे बच्चों। इंतजार किसका कर रहे हैं, कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में बात करते हैं। देखिए, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। सेल वॉल प्लांट सेल में होता है पर एनिमल सेल में नहीं होता है। न्यूक्लियस दोनों में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म ये भी दोनों में होता है। प्लास्टिड्स ये नहीं होता है, देख सकते हैं जैसा कि आप लोग फिगर में, हाँ ये फिगर में आप लोग दिखाने वाला था प्यारे बच्चों। तो देखिए, ये जो हमारा आ जा रहा है इसे कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल को हम लोग फूड का सोर्स भी कहते हैं, ठीक। और इसके बाद ये रहा हमारा न्यूक्लियस, इसमें ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा वैक्यूल, ये रहा वैक्यूल। जो कॉमन कॉमन चीज़ें वो सब आपको इस फिगर से नज़र आ रही हैं।
बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पर विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहां पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, तो फटाफट से विजिट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, कीप सपोर्ट।